जिला यमुनानगर के पाबनी रोड पर हुआ बड़ा एक्सीडेंट, तस्वीरें देखकर आप लोगों के हो जाएंगे रोंगटे खड़े। इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के पाबनी रोड से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तेज रफ्तार के चलते किस तरह से एक गाड़ी एक पेड़ के साथ जा टकराई। तस्वीरें इस समय की देखकर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं स्थानीय लोग वहाँ पर तमाम मामले की जानकारी के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर कार्यवाही करने के लिए पहुंचे हुए हैं। परिवार के 6 सदस्य इस गाड़ी के अंदर थे। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जब जिसकी भगवान रक्षा करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तस्वीरें देखकर गाड़ी की आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। परिवार के सभी सदस्य ठीक हैं, 6 सदस्यों में से एक छोटी बच्ची जो है उसे गंभीर चोटें आई हैं, उसे आगे के इलाज के लिए जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आपको बताना चाहेंगे पाबनी रोड की तरफ से यह गाड़ी आ रही थी, फिलहाल गाड़ी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 6 सदस्यों में से 5 सदस्य बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन एक बच्ची को जो है काफ़ी चोट आई है। आपको बताना चाहेंगे पति पत्नी के साथ एक बुजुर्ग महिला और साथ में एक और महिला के साथ 2 और बच्चे गाड़ी के अंदर सवार थे। तेज रफ्तार के चलते आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर के इस पाबनी रोड पर बड़ा एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। जो जो हाईवे के ऊपर मौज मस्ती के चलते गाड़ी की तेज रफ्तार रखते हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। प्लीज़ आप लोग आगे के लिए सावधानी बरतें, क्योंकि आप लोगों की ये लापरवाही आपके पारिवारिक सदस्य जो आपके साथ उस समय गाड़ी के अंदर मौजूद है उन्हें किस तरह से मुसीबत में डाल सकते हैं। तस्वीरें देखकर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इस समय की तस्वीरें आपको पाबनी रोड से दिखा रहे हैं। नमस्कार, इस समय की लाइव तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के पाबनी रोड से दिखा रहे हैं और आपको एक ऐसी खबर के साथ आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ चुके हैं कि तस्वीरें देखकर शायद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, आपको दिखाना चाहेंगे कि पाबनी रोड पर टियागो वालों की गाड़ी जो है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे गाड़ी समेत पूरे परिवार समेत, किस तरह से गाड़ी जो है पेड़ के साथ टकरा गिरी। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है पेड़ के साथ किस तरह से पूरी तरह से पलटी मारी हुई है। HR02AP2971 गाड़ी का नंबर है HR02AP2971। आप देख सकते हैं गाड़ी की तस्वीरें देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। जी हां, एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे जिला यमुनानगर के पाबनी रोड पर एक कार जो है बेकाबू होने के कारण किस तरह से पेड़ से जा टकराई। तस्वीरें इस समय की आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं गाड़ी की रफ्तार तेज थी और तेज रफ्तार के चलते गाड़ी बेकाबू होने के कारण आप देख सकते हैं टियागो गाड़ी किस तरह से सफ़ेद कलर की टियागो गाड़ी है और पेड़ से जा टकरा गई। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय की आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग भी यहाँ पर मामले की जानकारी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पाबनी रोड से एक बड़े एक्सीडेंट का मामला जिला यमुनानगर के इस पाबनी रोड पर सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अभी पता नहीं चल पाया कि गाड़ी के अंदर कितने सदस्य थे, उनकी हालत कैसी है, लेकिन फिलहाल आपको गाड़ी की सीधी लाइव तस्वीरें यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मौके पर कार्यवाही करने के लिए Dial 112 की जो गाड़ी है, जो प्रशासन है मौके पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी अभी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला निकल कर सामने आया है। तो आप देख सकते हैं स्थानीय लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, प्रशासन इस समय की कार्यवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी के लिए जो प्रशासन से जो पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे हैं उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ मामला निकल कर सामने आया है। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने बजे का मामला है ये एक्सीडेंट? ये अभी थोड़ी देर का है, हमारे पर टेलीफोन गया था, ये गाड़ी पाबनी की तरफ से आ रही है और जो कि नीचे खड्डों में गिर गया। सर कितने फैमिली मेंबर्स थे इसमें? से 6 बंदे थे। 6 बंदे? हाँ, 2 बच्चे थे, अरे एक बुजुर्ग थे, एक वो मियां बीवी थे दोनों। एक बच्चे का थोड़ी ज़्यादा चोट है, उसको सरकारी हॉस्पिटल जगाधरी में भेज दिया। तो बाकी सदस्यों की हालत कैसी है? सब ठीक, वो ठीक है, सब ठीक है। हाँ। लेकिन सर इतना बड़ा हादसा हुआ है, लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता था, मतलब नहीं, फिर नहीं। भी भगवान का शुक्रिया। हाँ, तो बचा हो गया जी, बचा हो गया इसमें। तो जिस बच्चे की हालत गंभीर है, नाजुक है, वो उसको कितनी चोट आई है सर? उसको देखो तो डॉक्टर बताएगा, हमने तो यहाँ से अपने ERB 687 में भेज दिया है सरकारी हॉस्पिटल में। सर मतलब क्या कुछ लगता है देखकर कि किस कारण एक्सीडेंट हुआ? ये गाड़ी स्पीड में ज्यादा थी, ये अनबैलेंस होगी। तो सर एक बार आप जो दर्शक आपको लाइव देख सुन रहे हैं, जो स्पीड तेज रखते हैं अपनी गाड़ी की, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी ओर से, क्योंकि हर दिन जिला आराम से थोड़ा आराम से चलानी चाहिए। इस सड़क में थोड़ा गड्ढे हैं, जो पुलियाँ हैं थोड़ी ऊंची है, वहाँ जैसे गड्डी आती है जंप मारती है, तो इस कारण ये गाड़ी स्पीड में थी, उस पर अनबैलेंस होगी, रुक नहीं सकी।
तो आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह जी इस समय हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि किस तरह से यहाँ पर तेज रफ्तार गाड़ी के चलते एक बड़ा हादसा पाबनी रोड पर हुआ है और पाबनी की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी तेज रफ्तार के चलते। जी हाँ, जो जो लोग हाईवे पर कहीं पर भी तेज स्पीड के चलते, मौज मस्ती के चलते गाड़ी की स्पीड तेज करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी जो अपडेट है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आगे के लिए आप लोग भी सावधानी बरते हैं, क्योंकि मौज मस्ती के चलते, तेज स्पीड के चलते कब आप लोगों के साथ हादसा हो जाए आप लोगों को भी शायद पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों की इस लापरवाही का नतीजा गाड़ी में बैठे और सदस्यों को भुगतना पड़ सकता है। एक बार आप लोगों को बताना चाहेंगे, इस गाड़ी के अंदर एक बुजुर्ग महिला, दो बच्चे और साथ एक पति पत्नी थे, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही का नतीजा सामने आया है। यही अगर गाड़ी की स्पीड कम होती तो शायद परिवार के सदस्य बच जाते। अभी के लिए बताना चाहेंगे सभी सदस्य ठीक हैं, लेकिन एक मासूम से बच्चे को जो है काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। आगे के लिए डायल 112 की गाड़ी के द्वारा उन्हें जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, और भी जो गाड़ियां यहां से जो गाड़ी चालक गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं तमाम मामले की जानकारी के लिए यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो और भी लोग जुड़े हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने देखा ये हादसा? नहीं, हम तो अभी आए जी। अभी आए हैं? अभी आए जी। ठीक है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, तेज स्पीड के चलते तेज स्पीड को पुलिया आया जी, पुलिया पे जंप लेती है गाड़ी, तेज स्पीड के कारण हो सका जी। हाँ, और ये भी पता चल रहा है पुलिस वालों से बातचीत के दौरान कि बीच में दो मासूम बच्चे थे, मतलब बच्चों के रहते भी किस तरह से स्पीड तेज थी, क्या लगता है सही है ये सब कुछ? नहीं, स्पीड तो गलत थी जी, स्पीड इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए, बच्चे थे साथ, बता रहे थे तो बहुत मासूम बच्चा था। एक तो साइड भी नहीं है जी, मिट्टी है जो है ना, ये खुरगी है। सर, आप यहीं रहने वाले हैं? यहीं देखिए, आपने देखा ये हादसा होता? ना, मैं इधर ही काम पे लगा हूँ। अच्छा, आप क्या कुछ कह रहे थे? बाद में आए हम तो ये कैसे लगता है सर, मतलब पाबड़ी की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी और एकदम से यहाँ पर, क्या कुछ लगता है तेज स्पीड के कारण हुआ? स्पीड में थी, ज्यादा स्पीड में थी। तो स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि तेज स्पीड के चलते, गाड़ी की रफ्तार तेज होने के कारण ये एक्सीडेंट का मामला जो है सामने आया है। पाबनी की तरफ से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी के अंदर कुल छह पारिवारिक सदस्य थे। तेज रफ्तार के चलते आप देख सकते हैं गाड़ी बेकाबू होने के कारण किस तरह से पेड़ के साथ जा टकराई। तो जिला यमुनानगर से एक बड़ा मामला आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और जो लोग लापरवाही के चलते हाईवे पर कहीं पर भी तेज़ गाड़ी की स्पीड रखते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी अपडेट है। आगे के लिए आप लोग भी सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी की गई लापरवाही गाड़ी के बीच में बैठे आपके और पारिवारिक सदस्यों के लिए किस तरह से मुसीबत पैदा कर सकती है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। ये भी बताना चाहेंगे कि पारिवारिक सदस्य छः थे, जिनमें से एक बच्ची को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। आगे के लिए डायल 112 की टीम के द्वारा उन्हें जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया है, बच्ची का इलाज करवाया जा रहा है, बाकी सब जो है सुरक्षित है। वो कहा जाता है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, इतना बड़ा हादसा होने के बाद शुक्र है भगवान का कि बाकी परिवार के सदस्य है बिल्कुल सुरक्षित है। तो अपील है आप सभी से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।